सो हेलो गाइज, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दैलिया राज में। हूँ और मैं हूँ आपका अपना राज। सो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ एक बर्थडे पार्टी में। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। सो गाइज, अभी देख रहे हो कि आप केक कटने जा रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे केक कट रहा है। सो हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ ताज होटल में और आप लोग देख रहे हो ऊबर से निकला हुआ हूँ। सो मैं अभी ऊबर बैठा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं दिल्ली है तो यहाँ कोरोना का माहौल है। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि एक नया भी वायरस आया है, शायद बर्ड फ्लू का नाम है। तो आप प्लीज़ घर में ही रहें, अच्छे से रहें, सेफ रहें, जहाँ भी है सेफ होकर जाएँ। सो मैं अभी निकल चुका हूँ और अभी बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवलिंग करना बाकी है हमारे लिए। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा पीछे हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाना है हमें। हम ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं परी चौक के आगे, क्योंकि मैं एग्जैक्टली जो वहाँ से जाने वाला हूँ उसका मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ परी चौक के मुझे आगे जाना है। तो मैं अभी घर से निकल चुका हूँ, मैं हूँ, मेरी फैमिली है, और फिर मैं हम लोग निकलते हैं और फिर मैं आपको दिखाते रहता हूँ रास्ते में कैसा क्या करने वाले हैं। और वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि यार बहुत दिनों बाद यार मैं पार्टी में जा रहा हूँ किसी बर्थडे। अभी हम फ्लाईओवर के नीचे से निकलेंगे और टर्न अराउंड हम कर रहे हैं। ये है फ्लाईओवर हमारे ऊपर और उसके हम नीचे से निकल रहे हैं और हम जाएंगे उस पार। फिर वहाँ से हाईवे मिलेगा और सीधे हम हाईवे से होते हुए फिर हाईवे हाईवे ही जाना है मैन, क्योंकि हमें हाईवे हाईवे जाते रहेंगे। तो हमारे बगल में फ्लाईओवर है और गाइज ये हमारे ओला उबर के जो हमारे ड्राइवर हैं वो हैं। और मैं अभी ताज हाईवे पर ही हूँ क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है हमें। तो रास्ते में बहुत सारा यार चीज़ मिलेगा देखने को, क्या है और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि यार मैं बहुत दिनों बाद फ्री होकर किसी बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, तो एक्साइटेड भी हूँ। लेकिन ये है यार कि मैं वहाँ पहली बार जा रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली सही आपको झूठ नहीं बोल, मैं पहली बार वहाँ जा रहा हूँ और मैं इससे पहले आज तक कभी गया नहीं वहाँ पर। तो देखते हैं वहाँ कैसा है माहौल, क्या है, क्योंकि वो तो सोसाइटी एरिया है। सो मैं आ चुका हूँ वापस और फिर आप लोग देखते रहिए, मेरे बैक साइड पीछे देख सकते हैं कि अभी भी हाईवे ही है, हाईवे हाईवे होके जा रहे हैं। और ये हाईवे के बगल से कुछ हैं बने हुए ओवर फ्लाईओवर है और अभी भी हम हाईवे पे ही हैं। तो हाईवे मैं कुछ देर में हाईवे ख़त्म भी होने वाला है और ख़त्म होगा तो उसके बाद देखते रहिए और देखते हैं कैसे कैसे। Thank you.
इतना सुंदर ताज आया है उससे ज़्यादा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यार देख सकते हो इसका बैकग्राउंड आसपास का, क्योंकि यार यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और आसपास में बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं मूर्ति उर्ति, तो देख सकते हैं आप। एक्चुअली यार अगर मैं अगर सही बताऊँ तो यार ताज आया पे आ गया, बिल्कुल जी खुश हो गया और अच्छा भी सो लगा। गाइज मैंने भी मास्क लगा लिया क्योंकि यार हमें रास्ते में पुलिस मिली देखने को, तो मैंने भी मास्क लगा लिया है क्योंकि यार रास्ते में फिर उन्होंने बोला कि भाई मास्क लगा लीजिए आप लोग, तो मैंने मास्क लगा लिया है, तो अभी देखते हैं। मैंने अभी मास्क निकाला क्योंकि यार अब तो कोई रास्ते में कुछ दिख नहीं रहा है, और यार मास्क में यार बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, और यार अब हम ताज हाईवे के आगे आ चुके हैं और हम लोग ITS कॉलेज के आसपास ग्रेटर नोएडा में शायद प्रवेश, हम लोग ग्रेटर नोएडा में आ चुके हैं एक्चुअली। तो हमने ताज हाईवे पे यार बहुत ही ज़्यादा हमें कुछ देखने को, मैंने आप लोग दिखाया कि ताज हाईवे क्या है कैसे है। ताज हाईवे यार मैंने नाम सुना था लेकिन ताज हाईवे में जाता नहीं था उतना, मुझे उधर ज़्यादा इतना काम नहीं पड़ता है, तो मैं ताज हाईवे पे पहली बार आया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ताज हाईवे यार नाम तो मैंने सुना था लेकिन मुझे पता नहीं था। सो गाइस अभी आ चुकी है बारिश और आप लोग देख रहे हो बहुत ही तेज़ इधर बारिश हो रही है यार। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि यार यहाँ रेगुलर 3 डेज से बारिश हो रही है, 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है यार। अभी रास्ते में देखना हो चुका है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है यार, और हम लोग कुछ समय में वहाँ पहुँचने वाले हैं। एक्चुअली हमें कम से कम 1.5 घंटे हो गए घर से निकले हुए, और अभी हम आधे घंटे का टाइम और हमें लगेगा जाने में वहाँ पे, आधे घंटे से कम हमें अभी लगने वाला नहीं यार, जैसा कि मैं आइडिया है क्योंकि मैं अपने लोकेशन भी देख रहा हूँ, तो लोकेशन में कम से कम मुझे 1:50:40 पे दिखा रहा है कि हाँ मुझे कि भाई 1:50:54 पे आप वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि यार हमारे ड्राइवर यार बहुत स्लो स्लो गाइड चला रहे हैं यार। और मैं एक चीज़ और बता दूँ यार कि ओला उबर वाले भैया हमारे साथ हैं अभी भी, वो हमें ले जाएंगे बहुत आराम से यार, हम जा रहे हैं नॉर्मली। और गाइज मैं अभी घर आ चुका हूँ और देख रहा आप मैं टी पी रहा हूँ, सो मैं अभी चाय पीते हैं और अभी भी दोपहर के 3 बज रहे हैं 3। और सो हेलो गाइस अब हम जा रहे हैं सोने क्योंकि यार पार्टी में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है शायद 10:10 PM हो रहा है, सो हम यहाँ सोएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें कि हम अंदर से मोटिवेट हो सके और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपसे बनाते रहें। तो हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तो जब तक के लिए बाय।